हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारी चैनल पार्थ व्लॉग्स में। तो आज हम लाए हैं कार्स के रिलेटेड वीडियोस, जो आप देख सकते हैं कि इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत बहुत ही ज़्यादा प्रगति कर रहा है। तो हम आपको आज इस वीडियो के दौरान बताना चाहते हैं कि 5 लाख से कम की 10 बेस्ट कार, जो आपका बजट आई थिंक 5 लाख है, तो आपको कौन सी बेस्ट कार, आपको बहुत ज़्यादा कौन सी गाड़ी में ज़्यादा फीचर मिलेंगे, कौन सी गाड़ी कैसी है, कौन सी में सेफ्टी ज़्यादा है, तो आज हम बताएंगे और 10 बेस्ट कार बताएंगे जो 5 लाख से कम की आती है, और हम उसकी डिटेल भी कहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ बात करें तो हम जो गाड़ियों की कीमत और जो कुछ भी बात करेंगे वो नई दिल्ली से की जाएगी, नई दिल्ली की बात की जाएगी। तो एंट्री लेवल कार भारतीय बाजार में सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है, और 5 लाख के अंदर एंट्री लेवल कार ही आती है जो बहुत पसंद की जाती है। कम दाम, बेहतर माइलेज, सस्ते मेंटेनेंस के चलते ज़्यादातर लोग ऐसी कार ही खरीदते हैं। यही वजह है कि इंडियन मार्केट में कई सस्ती कारें मौजूद है। अगर आप कम दाम वाली कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो तो यह डिटेल जरूर देखें और पूरा वीडियो देखें। तो फर्स्ट ऑफ हम बात करते हैं कि मारुति की अल्टो, जो देश में सबसे ज़्यादा बिकने वाली एंट्री लेवल कार है। मारुति सुजुकी की यह एंट्री लेवल कार देश की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों में से एक है। मारुति अल्टो 800 की कीमत 2.94 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। इसमें 0.8 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 47 bhp की पावर और 60 nm का टॉर्क जनरेट करता है। पेट्रोल इंजन वाली अल्टो का माइलेज 22.5 किलोमीटर प्रति लीटर है। बहुत बढ़िया ये माइलेज देती है। आई थिंक मारुति की गाड़ियाँ इसलिए सबसे ज़्यादा बिकती है कि मारुति की गाड़ी माइलेज के मामले में सबका बाप है। मारुति एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है जो माइलेज निकाल के बहुत सारा देती है। मारुति की यह कार CNG वेरिएंट में भी आती है। CNG वाली अल्टो का माइलेज 31.59 किलोमीटर प्रति किलोग्राम है। तो आप देख सकते हैं कि यह गाड़ी आपको टू व्हील के साथ एवरेज माइलेज देगी अगर आप CNG कार करते हैं इसको। तो फिर हम बात करते हैं दूसरी कार है रेनो की क्विड, जो भी एक एंट्री लेवल कार है। रेनो की ये छोटी सी कार, पर इसमें फीचर्स आप देखेंगे तो मारुति अल्टो 800 से भी ज़्यादा होंगे। रेनो की यह छोटी कार मारुति अल्टो के मुकाबले बाजार में उतारी गई थी। ये कंपैरिजन कार है मारुति की अल्टो की। यह दो इंजन के ऑप्शन में आती है, जिनमें से 54 PS पावर वाला 0.8 लीटर इंजन और 68 PS पावर वाला 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन इसमें शामिल होता है। 0.8 लीटर इंजन का माइलेज 20.71 किलोमीटर प्रति लीटर है। वही 1 लीटर अपने पेट्रोल इंजन की बात करें तो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी 31.74 किलोमीटर की माइलेज निकाल के आपको दे देंगी। और इसमें एक ऑटोमेटिक वेरिएंट भी आता है जो AMT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है, तो वो 22 किलोमीटर प्रति लीटर के आपको माइलेज निकाल कर आपको दे देंगे। फील्ड के 0.8 लीटर इंजन वाले मॉडल की कीमत आई थिंक एक शोरूम कीमत है 2.94 लाख, आई थिंक 3 लाख समथिंग आपको आ जाएगी। और 1.0 लीटर इंजन मॉडल की कीमत है 4.60 लाख रुपए से शुरू होते हैं। तो और बात करते हैं और डेटसन वाले के, डेटसन रेडी गो थर्ड कार है। डेटसन रेडी गो ने क्विड की तरह डेटसन की यही छोटी कार 8.0 लीटर और 1.1 लीटर की पेट्रोल इंजन ऑप्शन में आते हैं। 8.0 लीटर वाला इंजन 53 bhp की पावर जनरेट करता है और इसका माइलेज 20.71 किलोमीटर प्रति लीटर का निकाल के दे देता है। और इसमें भी दो इंजन आते हैं, 1.0 लीटर इंजन वाला, 1.0 लीटर वाला इंजन, वो 67 bhp की पावर जनरेट करता है। इसका माइलेज मैनुअल गियर बॉक्स के साथ 21.7 किलोमीटर निकाल के दे देता है और AMT के गियर बॉक्स के साथ
22 किलोमीटर की एवरेज निकाल के दे दे रहा है। ये शायद आई थिंक ये दोनों इंजन स्पीड के जैसे ही है। आप मान लीजिए स्पीड स्पीड का और इसका इंजन आई थिंक सेम ही आता होगा। और 0.8 लीटर इंजन वाले मॉडल की शुरुआत कीमत है 2.83 लाख रुपीस। और 1.0 लीटर इंजन मॉडल की बात करते तो वो है 4.44 लाख रुपये की स्टार्टिंग प्राइस है उसकी। अब बात करते हैं फिर से 5 लाख के अंडर आने वाली मारुति की दूसरी कार। मारुति की यह कार अभी फिलहाल हाल ही में लॉन्च हुई है। वो 5 लाख रुपये से कम में यह मारुति का टॉप मॉडल नहीं आता इस कार का, पर आई थिंक 5 लाख के नीचे ये गाड़ी आ जाती है आपको कोई भी मॉडल में। तो 5 लाख रुपये से कम की मारुति की यह माइक्रो एसयूवी भी ले सकते हैं। हाँ, ये गाड़ी माइक्रो एसयूवी है। इसमें 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो 67 PHP पावर जनरेट करता है और 90 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। एस्प्रेसो, इसका नाम एस्प्रेसो है, मारुति एस्प्रेसो। आई थिंक मैं बताना ही भूल गया, मारुति की एस्प्रेसो। मारुति की एस्प्रेसो के स्टैंडर्ड और LXI वेरिएंट का माइलेज अभी 21.4 किलोमीटर निकाल के दे देती है, जबकि VXI और VXI प्लस वेरिएंट का आई थिंक इस मॉडल में थोड़ी एवरेज ज़्यादा हो जाती है, वो 21.7 किलोमीटर की माइलेज निकाल के दे देता है। एस्प्रेसो में CNG वेरिएंट भी आता है, जिसका मतलब वो इंजन कंपनी फिटेड आता है, CNG किट कंपनी फिटेड आता है तो सेफ है, जिसका माइलेज 31.2 किलोमीटर प्रति किलोग्राम है। मारुति एस्प्रेसो की कीमत 3.17 लाख रुपए से शुरू होती है दिल्ली में। आई थिंक वो आपके वहाँ आने से वो प्राइस में थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो इसलिए जहाँ के डीलर हो वहाँ की एक्स्ट्रा चार्ज भी होती है। तो मारुति की बात अब दूसरी कार की बात करते हैं। तो अगली कार है मारुति सिलेरियो। मारुति सुजुकी की यह कार 5 लाख रुपये से कम में आती है। इसमें 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो 67 HP की पावर और 90 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। सिलेरियो के पेट्रोल मॉडल का माइलेज है 21.63 किलोमीटर प्रति लीटर है। CNG मॉडल इसका भी आता है, वो 30.67 किलोमीटर की प्रति किलोग्राम की एवरेज देती है। मारुति की यह कार की शुरुआत की कीमत है 4.41 लाख रुपए। तो अब हम बात करते हैं और नेक्स्ट कार की, मारुति वैगन आर। मारुति वैगन आर 5 लाख रुपए से कम में मारुति वैगन आर भी उपलब्ध है। मारुति वाले ने एंट्री लेवल कार ही सब बहुत बढ़िया बनाई है। यह कार दो पेट्रोल इंजन ऑप्शन में आती है, जिनमें एक है 1 लीटर वाला इंजन और दूसरा है 1.2 लीटर वाला इंजन इसमें शामिल होता है। 1 लीटर वाला इंजन का कीमत है 4.45 लाख रुपए से शुरू होता है। यह इंजन 67 HP की पावर देता है और इसका माइलेज 21.79 किलोमीटर होता है। तो अब हम बात करते हैं एक अलग ही कंपनी की, Hyundai की। Hyundai वाले बहुत लग्जरी कार और कई सारी कारें बनाते हैं, उसमें से उन लोगों ने एक एंट्री लेवल कार से स्टार्ट किया है जो ION आती है। अभी हम बात ION की नहीं करने हैं, पर वो तो मैंने शायद मेरे को लगा कि मैं आपको थोड़ी करी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दूँ। तो Hyundai Sentra की बात कर रहे हैं अभी। Hyundai Sentra की कीमत 5 लाख की कीमत मौजूद है, वो 5 लाख में आती है। इसमें 1.1 लीटर का इंजन मिलता है जो 69 PS की पावर देता है और इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल बॉक्स होता है और AMT गियर बॉक्स भी इसमें उपलब्ध है। सेंट्रो की कीमत 4.97 लाख रुपए से शुरू होती है जो 4.5 लाख है। और फिर हम नेक्स्ट गाड़ी की बात करते हैं तो आ गई है अपनी टाटा टियागो। टाटा टियागो एक एंट्री लेवल कार है। टाटा ने फिलहाल ही अभी में बहुत बढ़िया काम करने लगी है। टाटा मोटर्स पहले तो इतना बढ़िया काम नहीं करती थी। आई थिंक उसके कई सारे ऐसे अभी सेफ प्रोडक्ट आ गए हैं जो मार्केट में जो आग लगाने लगे हैं। तो टाटा मोटर्स की यह एंट्री लेवल कार भी हम 5 लाख रुपये में खरीद सकते हैं, ये भी मार्केट में उपलब्ध है। इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है
जो 86 PS की पावर जनरेट करता है और 130 NM का टॉर्क जनरेट करता है। टाटा टियागो का कीमत 4.6 लाख रुपए से शुरू होता है। यह मारुति वेगनार और मारुति सिलेरियो और हुंडई सेंट्रो जैसी कारों से टक्कर लेती है। अब बात करते हैं कि मारुति की एक अलग ही ब्रांड नेक्सा के बारे में। तो नेक्सा ने भी एक एंट्री लेवल कार भी मार्केट में लाई है। मारुति सुजुकी की यह प्रीमियर एंट्री लेवल कार है, जो इसका नाम है मारुति इग्निस। मारुति इग्निस एक छोटी सी क्यूट सी कार है, जो मिनी कूपर से बेस्ड आई थिंक आप देख सकते हैं कि उसके जैसी लगती है। तो मारुति सुजुकी की यह प्रीमियम एंट्री लेवल कार भी 5 लाख रुपए में कम दाम में आती है, 5 लाख रुपए से कम दाम में आती है। मारुति इग्निस की शुरुआत की कीमत है 4.89 लाख रुपये, 89 लाख रुपये, 4.89 लाख रुपये, वो दिल्ली की एक शोरूम प्राइस है। इस कार में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 82 bhp की पावर जनरेट करता है। इसका माइलेज भी 20.89 किलोमीटर प्रति लीटर है। तो अब बात करते हैं कि रेनो ट्राइबर की। रेनो ट्राइबर एक MUV कार है। रेनो की यह छोटी 7 सीटर कार भी 5 लाख से कम में आती है। उसकी शुरुआत में कीमत आती है 5 लाख से कम में, इसकी शुरुआत की कीमत आती है। इस सब कॉम्पैक्ट MVP का दाम 4.99 लाख से शुरू होता है। इसमें 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 72 PS की पावर जनरेट करता है और 96 NM का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 5-speed मैनुअल बॉक्स और AMT गियर बॉक्स में भी ये गाड़ी आपको मिल जाएगी। तो आई थिंक मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो। तो आपको कैसी जानकारी और कोई जानकारी आपको गाड़ियों के बारे में चाहिए, तो हमें आप मेल कर सकते हैं partlogs93@gmail.com में, और आप कमेंट बॉक्स में भी जाना सकते हैं, और हमारे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ज़रूर। ठीक है, थैंक यू, अलविदा।